गॉडज़िला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर का ऑफिशियल चाइनीज ट्रेलर 2 रिलीज़ हो चुका है। यह एक बिल्कुल स्पॉइलर फ्री वीडियो होने वाला है क्योंकि यह ट्रेलर ऑफिशियली रिलीज़ हुआ है। फिर भी अगर आप मूवी के बारे में कुछ भी जानना नहीं चाहते तो आप वीडियो को अभी बंद कर सकते हो। हम इस ट्रेलर का डिटेल में ब्रेकडाउन करेंगे क्योंकि इसमें हमें वॉरबैड, शिमू और मोथरा का न्यू लुक देखने को मिला। तो हम उन सारी हिडन डिटेल्स के बारे में बात करेंगे जो शायद आपने मिस कर दी होंगी। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप मॉन्स्टरवर्स के फ़ैन हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो क्योंकि मॉन्स्टरवर्स से रिलेटेड सारी न्यू अपडेट्स आपको यहाँ पर मिलती रहेगी। अब बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू करते हैं और इस वॉरबैट वाले सीन के बारे में डिस्कस करते हैं। शुरुआत में हमें बहुत सारे वॉरबैट्स उड़ते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर हमें वॉरबैट्स का झुंड दिख रहा है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ छोटे वॉरबैट्स भी हैं और कुछ वॉरबैट्स बहुत ही बड़े हैं। गॉडज़िला एक्स कॉन्ग में जो वॉरबैट्स हमें दिखाए गए थे वो इससे काफ़ी अलग लग रहे थे। यानी कि दोस्तों, गॉडज़िला एक्स कॉन्ग में जो वॉरबैट्स हमने देखे थे वो छोटे वॉरबैट्स थे। यहाँ पर हम कुछ ऐसे वॉरबैट्स को भी देख सकते हैं जो बहुत बड़े हैं। हम ये कह सकते हैं कि ये वाले वॉरबैट्स इवॉल्व हो चुके हैं और ये गॉडज़िला जितने बड़े हैं। एक्चुअली ये गॉडज़िला से भी बहुत बड़े हैं क्योंकि यहाँ पर हम नोटिस कर सकते हैं कि ये बड़ा वॉरबैट छोटे वॉरबैट को खा जाता है। एक पूरा वॉरबैट उसके मुंह के अंदर समा जाता है, जिससे हम इमेजिन कर सकते हैं कि ये वाला वॉरबैट कितना बड़ा होगा। इस वॉरबैट का वजन बहुत ही ज़्यादा है और हम ये भी देख सकते हैं कि इसके पिछले वाले हिस्से में भी पंख है। उन पंखों के नीचे भी हमें एक अलग डिज़ाइन नज़र आ रही है। ये भी उनके पंख ही है जो मेरे ख्याल से अभी भी ग्रो कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये वाले वॉरबैट्स बहुत ही बड़े हैं। अगर इनका सामना कॉन्ग के साथ हो गया तो ये तो उसे मार ही देंगे। यहाँ पर लगभग हज़ारों वॉरबैट्स हैं, लेकिन नीचे से देखने से हमें सिर्फ बड़े वाले वॉरबैट्स नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से हॉलोर्थ को एक्सप्लोर करते हुए कॉन्ग एक ऐसी जगह पर आ गया है जहाँ पर बहुत बड़े बड़े टाइटन्स हैं। मतलब यहाँ पर इतने बड़े टाइटन्स हैं कि कॉन्ग भी उनके सामने बच्चा लगेगा। वैसे इस सीन में कॉन्ग के साथ सुको भी खड़ा है। अगला सीन देखकर हमें यह पता चल जाता है कि कॉन्ग एक बहुत ही खतरनाक जगह पर है, क्योंकि यहाँ पर जो टाइटन हमें देखने को मिल रहा है वो मॉन्स्टरवर्स का अब तक का सबसे बड़ा टाइटन है। इस टाइटन का जो सिर है वहाँ पर हम कॉन्ग और सुको को भी देख सकते हैं। ये इस टाइटन की आँख है, तो हम नोटिस कर सकते हैं कि कॉन्ग इसके आँख से भी छोटा है। दोस्तों, लिटरली कॉन्ग इस टाइटन के नाक के बराबर है। इसी बात से हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि ये टाइटन आखिर कितना बड़ा होगा। इस टाइटन का स्केलेटन इन दोनों पहाड़ों को कनेक्ट कर रहा है, यानी कि ये वही स्केलेटन ब्रिज है जो हमने इस इमेज में देखा था। हम यहाँ पर एक बड़े से स्केलेटन को देख सकते हैं जिसके ऊपर कॉन्ग भाग रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आगे हम सुको को भी देख सकते हैं। वैसे इस इमेज के बारे में मैंने अपने दूसरे चैनल पर डिटेल में डिस्कशन किया है, उस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, मूवीज़ एंड थियरीज चैनल को भी आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी ये चैनल बंद होगा उसके बाद मैं सारी वीडियोज़ वहाँ पर डालूंगा। दोस्तों, मेरे ख्याल से ये वाला स्केलेटन उसी बड़े वॉरबैट का है। जैसा कि हमने देखा था कि ये वॉरबैट इतना बड़ा है कि वो छोटे वॉरबैट को आसानी से खा सकता है, यहाँ पर भी हमें एक छोटा स्केलेटन देखने को मिल रहा है जो मेरे ख्याल से एक छोटे वॉरबैट का है। या फिर ये उन बैट जैसे टाइटन्स का भी हो सकता है जिन्हें हमने गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग मूवी में देखा था। तो ये वाला टाइटन इसे आराम से खा सकता है, इसी की वजह से ऐसा लग रहा है कि ये वही बड़ा वाला वॉरबैट है। यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि इसका स्केलेटन लगभग 2 किलोमीटर तक फैला है और शायद इसके पंखों वाला हिस्सा यहाँ पर गिरा है। और काफ़ी हद तक ये स्केलेटन स्कारकिंग के विप्लैश के जैसा ही लग रहा है, बस कार्किंग का विप्लैश छोटा है जो मेरे ख्याल से छोटे वॉरबैट्स का स्केलेटन है। थोड़ी देर के बाद मैंने इस सीन को फिर से देखा, तब मुझे ऐसा लगा कि ये छोटे वॉरबैट्स नहीं बल्कि सिर्फ बैट्स है। इस छोटे उड़ने वाले टाइटन का पंख देखकर ऐसा ही लगता है कि यह सिर्फ बैट्स है, शायद वही बैट्स जो हमने गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग में देखे थे। तो ये बड़ा वाला टाइटन वॉरबैट नहीं है बल्कि गॉडज़िला का ही सबसे पुराना पूर्वज होगा। तो आपको इस सब के बारे में क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे यहाँ पर पीछे जिस पहाड़ को हम देख रहे हैं, पता नहीं कि वो भी एक टाइटन के मुंह के जैसा लग रहा है। अगर ये भी कोई टाइटन है तब तो ये इससे भी बड़ा है। दोस्तों, ये एक ऐसा सीन है जिसे अगर कोई इंसान देखेगा तब तो वो मर ही जाएगा। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये टाइटन उस वक्त मरे होंगे जब टाइटन वॉर हुआ था। मेरे ख्याल से स्कारकिंग इस गुफा के अंदर रहता होगा जहाँ पर हम दो आँख और एक मुँह को देख सकते हैं। तो ये डेफिनेटली स्कारकिंग का साम्राज्य है, जैसा हमने पिछले ट्रेलर्स में भी देखा है। हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी जगह पर लावा भी है, जैसा हमने स्कारकिंग के टेंपल में देखा है। तो ये डेफिनेटली स्कारकिंग का साम्राज्य है और सुको वहाँ पर कॉन्ग को लेकर जा रहा है। सुको कॉन्ग को फंसा रहा है या फिर कॉन्ग खुद से ही वहाँ पर जाना चाहता है, आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे दोस्तों, स्कारकिंग के टेम्पल में भी हम ऐसे ही एक बड़े स्केलेटन को देख सकते हैं। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है,
इस कार्किंग का साम्राज्य पूरी तरह से अलग है। मतलब वहाँ पर जाने के लिए शायद हम सिर्फ इस ब्रिज के ऊपर से ही जा सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी छलांग तो कोई भी नहीं लगा सकता। ये दोनों पहाड़ियाँ एक दूसरे से काफ़ी अलग लग रही है, और यहाँ पर नीचे हम पानी को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि ये वाली जगह काफ़ी दूर तक फैली है। तो दोस्तों, शिमू से बड़ा टाइटन तो हमें इसी मूवी में देखने को मिल जाएगा। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि इन वॉरबैट्स के सामने शिमू भी बच्चे जैसी है। ये वाली जगह काफ़ी डार्क लग रही है। ध्यान से देखने से पता चलता है कि यहाँ पर बिजली भी कड़क रही है। जहाँ पर ये वॉरबैट्स उड़ रहे थे वो जगह काफ़ी फ्रेश लग रही थी। वहाँ का वातावरण बहुत बढ़िया था और पहाड़ भी काफ़ी कलरफुल थे। यहाँ पर सब कुछ ही डार्क लग रहा है। इस जगह का भी अपना एक अलग रहस्य होगा। What is that? That's not Kong. हॉलोअर्थ पर ये वाला बेस मोनार्क ने बनाया था। मेरे ख्याल से जब स्कार्किंग को इस जगह के बारे में पता चला होगा तब उसने इसे तबाह कर दिया, और यहाँ पर अपने पंजे का लाल निशान भी छोड़ दिया, ये बताने के लिए कि यहाँ पर उसका राज चलता है। इस ट्रेलर में हमें और एक नया सीन देखने को मिला, जहाँ पर हम ये नोटिस कर सकते हैं कि ये वाला पोर्टल नीचे से ऊपर की तरफ खुल रहा है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर नीचे से एक रोशनी आ रही है और तब यह पोर्टल ऊपर की तरफ खुल रहा है। ध्यान देने वाली बात यह भी है कि यहाँ पर ये सारी मशीन्स बंद है। यानी कि दोस्तों, जब हॉलोअर्थ में जाना होता है तब इन मशीन्स की मदद से पोर्टल को खोलते हैं, लेकिन जब हम हॉलोअर्थ से ऊपर आते हैं तब बिना मशीन्स के ही ये पोर्टल खुल जाता है। एक सीन में हमें उन सिग्नल्स के बारे में भी पता चलता है जो हॉलोअर्थ से आ रहे हैं। ये वही सिग्नल्स है जो जिया ने अपने सपने में देखे थे। मेरे ख्याल से ये वही तीन पिरामिड्स के बारे में है। डॉक्टर एंड्रयूस इसका पता ज़रूर लगा लेगी। एक सीन में हम डॉक्टर एंड्रयूस को कहते हुए सुनते हैं कि गॉडज़िला इज़ ऑन द मूव, यानी कि गॉडज़िला कहीं पर जा रहा है, और मेरे ख्याल से वो खुद को इवॉल्व करने के लिए जा रहा है। जैसा कि हमने पिछले टेलर्स में देखा था कि धीरे धीरे गॉडज़िला का फॉर्म चेंज हो रहा है। हो सकता है कि इन सिग्नल्स का पीछा करते हुए उसे ये जगह मिलेगी और फिर वो इवॉल्व हो जाएगा, या फिर ये भी हो सकता है कि उसे एक बहुत ही बड़ा खतरा महसूस हो रहा है और इसी वजह से उसे इवॉल्व होने की ज़रूरत है। गॉडज़िला समुंदर के बाहर निकल कर एक बहुत ही बड़ी छलांग मारता है। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर वो टीएमएट से ही लड़ रहा है। समुंदर के अंदर हम एक सबमरीन को देख सकते हैं। काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर टीएमएट टाइटन है, और ये शायद टीएमएट का खून है जो पिंक कलर का है। पानी में हम ब्लू कलर की एटॉमिक एनर्जी को देख सकते हैं, जो मेरे ख्याल से गॉडज़िला ने ही टीएमएट पर छोड़ी है। ऐसा ही हमें और एक सीन देखने को मिलता है, जहाँ पर गॉडज़िला बर्फ को तोड़ने की कोशिश करता है। शायद यही पर उसे इवॉल्व होना है, इसलिए वो ऐसा कर रहा है। एक सीन में हम मोनार्क का स्पेसशिप देख सकते हैं, जहाँ पर वो हॉलोअर्थ में कॉन्ग का पीछा कर रहे हैं। यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कॉन्ग के पास अपना एक्स नहीं है, तो शायद वो उन्हें ईवी ट्राइब वाले लोगों के पास लेकर जा रहा है। जब गॉडज़िला पानी के अंदर कहीं पर जा रहा है तब हम देख सकते हैं कि एक हेलीकॉप्टर भी उसका पीछा कर रहा है। हो सकता है कि ये वही हेलीकॉप्टर है जो हमें इस सीन में भी नज़र आ रहा है। हम देख सकते हैं कि स्क्रीन पर गॉडज़िला को टाइटनस गोजीरा मेंशन किया है, और दोस्तों 100% इसी सीन के बाद गॉडज़िला की टीएमएट टाइटन के साथ फाइट होगी। ये भी हो सकता है कि टीएमएट टाइटन यहाँ पर है। इसी सीन में हम उन पत्थरों को भी देख सकते हैं जो हॉलोअर्थ की ग्रेविटी में फ्लोट करते हैं। शायद ईवी ट्राइब वाले लोग यहीं पर रहते होंगे। पीछे का स्ट्रक्चर देखकर ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक किसी तरह का टेंपल भी लग रहा है जिसका मुंह ड्रैगन की तरह है। और दोस्तों, मेरे ख्याल से यहाँ पर जो गुफा हमें देखने को मिल रही है वो स्कार्किंग के टेंपल की तरफ जाने वाला रास्ता है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर सुको भी है और कॉन्ग अभी भी उसको फॉलो कर रहा है। ये सीन हमें ज़रूर इस सीन के बाद देखने को मिलेगा। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पर हमें एक गुफा देखने को मिल रही है और ये वाला सीन उसी गुफा के अंदर है। यहाँ पर हम बड़े बड़े ग्रीन और ब्लू कलर के क्रिस्टल्स को भी देख सकते हैं, और यहाँ पर आगे हम पिंक कलर वाले क्रिस्टल्स को भी देख सकते हैं। नीचे लावा भी है, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि ये स्कार्किंग का साम्राज्य है। मेरे ख्याल से इसी जगह पर हमें आखिरी वाली फाइट भी देखने को मिलेगी। फिर इस सीन में हम जिस सुरक्षा कवच को देख रहे हैं वो मेरे ख्याल से ईवी ट्राइब के लोगों ने बनाया है। मतलब ये लोग इस चीज़ के पीछे रहते होंगे, इसी चीज़ की वजह से वो टाइटन से खुद की रक्षा कर पाते हैं। इस सीन में हम ये भी देख सकते हैं कि हॉलोअर्थ के ईवी ट्राइब वाले लोग सुरक्षा कवच को खोल रहे हैं, तो यहाँ पर हमें पता चल जाता है कि वो इस कवच को कॉन्ग और इन तीनों के लिए खोल रहे थे। अगला सीन तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि हॉलोअर्थ के लोग तो काफ़ी समझदार है। ये वाला सीन पिरामिड के अंदर का है, जहाँ पर इस रूम की डिज़ाइनिंग काफ़ी खूबसूरत लग रही है। डेफिनेटली यहाँ पर नीचे ब्लू कलर वाले क्रिस्टल्स होंगे, जिसकी वजह से ये रोशनी आ रही है। यहाँ पर हम डॉक्टर एंड्रयूस, जिया, ट्रैपर और बर्नी को भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर ईवी ट्राइब की रानी भी है, और यहाँ पर हम ईवी ट्राइब की लड़की को भी देख सकते हैं।
यहाँ की दीवार पर जो स्ट्रक्चर्स है वहाँ पर हम स्कार्किंग को भी देख सकते हैं और शायद ये शिमू है। दोस्तों यहाँ पर ऊपर स्कार्किंग है और नीचे शिमू है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हमें एक सांप जैसा टाइटन भी नज़र आ रहा है। इसे देखकर हम एक थ्योरी बना सकते हैं। अगर आपको उस थ्योरी के बारे में नहीं जानना है तो आप वीडियो को 15 सेकंड स्किप कर सकते हो। मैंने भी अब तक मूवी को नहीं देखा है, लेकिन शायद ये थ्योरी सच हो सकती है। यहाँ पर बीच में एक सांप जैसा टाइटन हमें नज़र आ रहा है जिसके ऊपर स्कार्किंग खड़ा है। तो हो सकता है कि जिस क्रिस्टल की मदद से स्कार्किंग शिमू को कंट्रोल करता है वो क्रिस्टल इस सांप का है। आपको इसके बारे में क्या लगता है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। यहाँ पर गॉडज़िला भी है और ये शायद दूसरे कॉन्ग्स है। शायद गॉडज़िला यहाँ पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ को छोड़कर कॉन्ग्स के घर को तबाह कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि उनके ऊपर पत्थर गिर रहे हैं। तो दोस्तों काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि ये सारी टाइटन वॉर की हिस्ट्री है। मतलब इस जगह पर हमें सब कुछ पता चल जाएगा कि स्कार्किंग शिमू को कंट्रोल कैसे कर रहा है और आखिर स्कार्किंग ने टाइटन वॉर की शुरुआत कैसे की। कोलोसियम में गॉडज़िला रेस्ट कर रहा था उसी वक्त वहाँ पर दो हेलीकॉप्टर्स आ जाते हैं। गॉडज़िला यहाँ पर चिल्लाता है और हेलीकॉप्टर से लोग उसे जूम कर देखते हैं। अगले सीन में हम गॉडज़िला और सिला टाइटन की एक्सटेंडेड फाइट को देख सकते हैं। वैसे ये सीन्स हमने पिछले ट्रेलर में भी देखे थे जहाँ पर गॉडज़िला सिला को उठाकर फेंक देता है। इसके बाद हमें वही सारे पुराने सीन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन यहीं पर हमें कॉन्ग का एक नया सीन भी देखने को मिलता है। यहाँ पर हम दूसरे कॉन्ग्स को नीचे झुकते हुए देखते हैं क्योंकि वो स्कार्किंग से डर रहे हैं, लेकिन कॉन्ग उससे बिल्कुल भी नहीं डरता और वो खड़ा ही रहता है। इसी की वजह से सुको काफ़ी परेशान भी हो जाता है क्योंकि उसे पता है कि अब क्या होने वाला है। स्कार्किंग बैक फ्लिप मारकर कॉन्ग के चेहरे पर लात मारता है। अपने विप्लैश की मदद से वो कॉन्ग का गला घोटने की कोशिश भी करता है। और यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि कॉन्ग का दांत अभी तक टूटा नहीं है। लेकिन दोस्तों इसी ट्रेलर में हमें और एक सीन देखने को मिलता है जो मेरे ख्याल से हमें मूवी के एंडिंग में देखने को मिलेगा। कॉन्ग यहाँ पर स्कार्किंग के ऊपर चिल्ला रहा है और यहाँ पर हम उसके सिल्वर टीथ को भी नोटिस कर सकते हैं। तो ये वाला सीन हमें ज़रूर मूवी के एंडिंग में देखने को मिलेगा क्योंकि यहाँ पर कॉन्ग का दांत सिल्वर है। इसके अगला वाला सीन तो और भी बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर हम स्कार्किंग के साथ साथ उसकी आर्मी को भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि स्कार्किंग के पास कॉन्ग का एक्स है, यानी कि जब शिमू कॉन्ग को जख्मी कर देगी और कॉन्ग वहाँ से भाग जाएगा ये सीन हमें उसके बाद देखने को मिलेगा। यहाँ पर हम शिमू को भी देख सकते हैं जो यहाँ पर कॉर्नर में खड़ी है। ये सभी मिलकर ईवी ट्राइब के कबीले पर हमला कर रहे हैं क्योंकि हम देख सकते हैं कि स्कार्किंग ने यहाँ पर उसी सुरक्षा कवच को तोड़ा है जिसके अंदर ईवी ट्राइब के लोग रहते थे। स्कार्किंग ने शिमू की मदद से उसे फ्रीज कर दिया होगा और फिर कॉन्ग की एक्स की मदद से उसने उसे तोड़ दिया। तो काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पर स्कार्किंग ईवी ट्राइब के सारे लोगों को मार देगा। इसी जगह से उन्हें वो पोर्टल मिलेगा जिसकी मदद से वो अर्थ के ऊपर वाले सरफेस पर जा सकते हैं। तो दोस्तों यहीं से स्कार्किंग और शिमू ऊपर आएंगे। फिर इसके बाद हमें स्कार्किंग और कॉन्ग की फाइट का एक्सटेंडेड सीन भी देखने को मिला जो बहुत बढ़िया था। इसके बाद जो सीन हमें देखने को मिला वो बहुत बढ़िया था क्योंकि यहाँ पर हमें कॉन्ग का बीस्ट ग्लो देखने को मिलता है। कॉन्ग अपने बड़े से बीस्ट ग्लो वाले हाथ को पिरामिड पर रखता है। हम नोटिस कर सकते हैं कि यहाँ पर हाथ रखकर कॉन्ग ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है। ये पहला ऐसा सीन है जहाँ पर हम उसकी बीस्ट ग्लो को इतने करीब से देख पा रहे हैं। हम ये भी देख सकते हैं कि यहाँ पर कुछ टूरिस्ट थे जो पिरामिड को देखने आए थे। जब कॉन्ग अपना हाथ यहाँ पर रखता है तो वो काफ़ी डर जाते हैं। कॉन्ग यहाँ पर बहुत ही बड़ा लग रहा है और वो डेफिनेटली किसी से लड़ाई कर रहा है। उसके हाथ पर हम मेटल वाली स्ट्रिप्स को भी देख सकते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल शॉक अच्छे से लग सके। और यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि पृथ्वी के ऊपर वाले सरफेस पर टाइटन्स थोड़ा सा धीरे से हिलते हैं, यानी कि ऊपर वाले सरफेस पर वो थोड़ा धीरे धीरे मूव करते हैं, लेकिन अगर हम हॉलो अर्थ में नोटिस करें तो वहाँ पर उनकी मूवमेंट फास्ट है। जैसा कि हम जानते हैं कि यहाँ पर गॉडज़िला और कॉन्ग की फाइट चल रही है, इसी वजह से कॉन्ग इस पिरामिड के ऊपर गिरा होगा। एक सीन में कॉन्ग यहाँ पर किसी को देखकर डर जाता है और मेरे ख्याल से वो यहाँ पर शिमू को देख रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि कॉन्ग के पास अपना बेस्ट ग्लो भी है और यहाँ पर पीछे धूल भी है। तो ये सीन डेफिनेटली पिरामिड के पास वाला है जहाँ पर शिमू भी आ जाएगी, और इसी की वजह से कॉन्ग यहाँ पर डर जाता है क्योंकि उसका सामना पहले भी शिमू से हो चुका है। इसके बाद वाले सीन में हम कॉन्ग और गॉडज़िला की फाइट को देख सकते हैं। यहाँ पर कॉन्ग गॉडज़िला को स्कार्किंग और शिमू के बारे में बताना चाहता है। वो उसे ये बताना चाहता है कि हॉलो अर्थ के अंदर एक बहुत ही बड़ा खतरा है, यानी कि कॉन्ग यहाँ पर गॉडज़िला से मदद मांगने के लिए आया है, लेकिन गॉडज़िला इस बात को समझ नहीं पाता। इसी वजह से यहाँ पर भी हमें कुछ समय के लिए गॉडज़िला वर्सेस कॉन्ग देखने को मिलेगी।
अगले सीन में जिया इस पिरामिड पर चढ़ रही है और सभी लोग इसे देख रहे हैं। यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि इन लोगों के भाले क्रिस्टल जैसे स्ट्रक्चर से बने हैं और इस रानी के ऊपर जैसे टैटू है, दूसरे लोगों पर इससे अलग टैटू है। यहाँ पर पीछे हम ग्रीन कलर की रोशनी को देख सकते हैं जो डेफिनेटली ग्रीन कलर वाले क्रिस्टल से आ रही है। यहाँ पर जिया पिरामिड के ऊपर चढ़कर मोथरा से मिलेगी। अगला सीन तो और भी बढ़िया है क्योंकि यहाँ पर हम दो बड़े ग्रीन कलर वाले क्रिस्टल्स को एक साथ टकराते हुए देखते हैं। जब वो एक दूसरे से टकराते हैं तब वहाँ से पिंक कलर की एक एनर्जी निकलती है। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से इसी एनर्जी की वजह से इस गुफा के अंदर ग्रेविटी दो हिस्सों में बढ़ जाएगी, मतलब इसी की वजह से टाइटन्स ऊपर और नीचे फ्लो करेंगे। कॉन्ग यहाँ पर पिरामिड के पास खड़ा है और अपने बीस्ट ग्लो वाले हाथ को वो ऊपर कर रहा है। यहाँ पर दो हेलीकॉप्टर्स भी है और यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि चार ऊंट यहाँ से भाग रहे हैं। और अगर हम इस पिरामिड को ध्यान से देखें तो ये बहुत ही अच्छी कंडीशन में नज़र आ रहा है, यानी कि अभी तक ये पिरामिड टूटा नहीं है। जैसा कि हम जानते हैं कि इस जगह पर गॉडज़िला और कॉन्ग की फाइट होने वाली है और ये पिरामिड लगभग टूट जाएगा। और टेलर के एक सीन में शिमू ऊपर आने की भी कोशिश कर रही है जिसके तुरंत बाद ऊंट वहाँ से भाग जाते हैं। वैसे इस सीन में कॉन्ग काफ़ी खुश लग रहा है, क्यों, आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। इसके बाद भी हमें वही सारे पुराने सीन्स देखने को मिले जो हमने पिछले टेलर्स में भी देखे हैं। एक सीन में हम देख सकते हैं कि कॉन्ग ऊपर से नीचे कूद रहा है और ऐसा सिर्फ ग्रेविटी की वजह से हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि ये दोनों क्रिस्टल्स एक दूसरे के साथ टकराए थे जिसके बाद से ये सब हो रहा है, और उसी की वजह से ये पत्थर भी ऊपर फ्लोट कर रहे हैं। अगला वाला सीन पूरे मॉन्स्टरवर्स का अब तक का सबसे बढ़िया सीन था जो हम में से किसी ने भी इमेजिन नहीं किया होगा। ये हॉलो अर्थ का एक्सटेंडेड सीन है जहाँ पर गॉडज़िला और कॉन्ग भाग रहे हैं। हमने इस सीन को दोनों ट्रेलर्स में देखा है और ये उसी सीन का कंटिन्यूएशन है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कॉन्ग गॉडज़िला पर राइड कर रहा है। एक गुफा जैसी जगह है जहाँ पर क्रिस्टल्स ऊपर से नीचे तक जा रहे हैं। नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर हम सिर्फ ग्रीन और पिंक कलर के क्रिस्टल्स को देख सकते हैं, और दोस्तों काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटी है कि यह स्कार्किंग के टेम्पल में जाने वाली गुफा है, मतलब यह स्कार्किंग के साम्राज्य में जाने का रास्ता है। यहाँ पर हम ये भी देख सकते हैं कि गॉडज़िला कॉन्ग की तरफ मुंडी घुमाता है और उसे इशारा करता है। जब कॉन्ग उसके इशारे को समझता है तभी वो उस पर राइड करता है। ये तो मानना पड़ेगा कि इवॉल्व होने के बाद गॉडज़िला बहुत ही पतला हो गया है। तो दोस्तों, कॉन्ग गॉडज़िला के पीठ के ऊपर जंप करता है और उसके एक डॉर्सल प्लेट को बहुत ही अच्छी तरीके से पकड़ लेता है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों अब भाई बन चुके हैं, जैसे कि जय और वीरू। और जैसा कि हम जानते हैं कि हॉलो अर्थ में ग्रेविटी बहुत ही अलग तरीके से काम करती है, तो यहाँ पर हमें वो चारों टाइटन्स इस ग्रेविटी में लड़ते हुए दिखेंगे। कभी वो ऊपर जाएंगे और कभी नीचे। स्कार्किंग शिमू के ऊपर राइड करता है, इसलिए हो सकता है कि गॉडज़िला भी कॉन्ग को अपने पेट के ऊपर राइड करने दे रहा है। इसके बाद हमें वो बढ़िया सा सीन देखने को मिला जहाँ पर चारों मेन टाइटन्स एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। कॉन्ग स्कार्किंग से लड़ रहा है और शिमू गॉडज़िला से। यहाँ पर हम ये नोटिस कर सकते हैं कि शिमू गॉडज़िला से बड़ी है, लेकिन इतनी भी बड़ी नहीं है कि वो उसे डायरेक्टली हरा देगी, मतलब शिमू लगभग गॉडज़िला से सिर्फ 20% बड़ी लग रही है। स्कार्किंग और कॉन्ग की हाइट तो लगभग सेम ही लग रही है। अगले सीन में हम मोथरा को देख सकते हैं जो इस पिंक कलर के पिरामिड के ऊपर खड़ी है। इस पिरामिड के ठीक ऊपर भी वैसा ही एक पिरामिड है जो उल्टा है, और इसके राइट साइड में भी हम एक छोटे पिरामिड को देख सकते हैं। तो यहाँ पर हमें तीन पिरामिड्स नज़र आ रहे हैं और शायद इन सिग्नल्स का मतलब यही था। मोथरा हमें यहाँ पर येलो कलर में दिख रही है और इसके पंखों की डिज़ाइनिंग भी बहुत बढ़िया है। मोथरा यहाँ पर जिया से कन्वर्सेशन कर रही है और ठीक इसी सीन के बाद वो गॉडज़िला और कॉन्ग से जाकर मिलेगी। इस सीन में लावा को बंद कर रहे हैं क्योंकि शिमू आज़ाद हो सके। यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि शिमू को वैसे ही विप्लैश से बांध कर रखा है जैसा स्कार्किंग के पास है। शुरुआत में कॉन्ग उससे घबराता नहीं है, लेकिन बाद में वो भी डर जाता है। जब शिमू अपने डॉर्सल प्लेट्स को एक्टिवेट करती है तब वो अपने मुँह से फ्रॉस्ट बाइट ब्लास्ट को छोड़ती है। जब वो ऐसा करती है तब लगभग उसका पूरा शरीर चमकने लगता है। यहाँ पर हम देख भी सकते हैं कि उसके पैर भी चमक रहे हैं। तो यहाँ पर कॉन्ग का हाथ जख्मी हो जाएगा और बाद में उसे बेस ग्लो मिलेगा। गॉडज़िला कॉन्ग से लड़ने के लिए नदी से ऊपर आ जाता है। जब कॉन्ग इस बिल्डिंग को तोड़ता है तब बिल्डिंग का मलबा उसके मुंह पर भी लगता है। एक सीन में गॉडज़िला पूरा का पूरा पिंक कलर में ग्लो कर रहा है। डेफिनेटली यहाँ पर वो शिमू के ऊपर एटोमिक ब्रेथ छोड़ रहा है। इसी सीन में शिमू भी अपने पावर्स का यूज़ करेगी और हमें शायद कोई ऐसा सीन देखने को मिलेगा। हॉलो अर्थ में स्कार्किंग और कॉन्ग की फाइट चल रही है, उसी वक्त गॉडज़िला भी पीछे से एटोमिक ब्रेथ को छोड़ता है। लेकिन ठीक से देखने से यह पता चलता है कि जो दो बड़े क्रिस्टल्स एक साथ टकराए थे
और वहाँ से जो एनर्जी निकली थी उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि स्कारकिंग के पास अभी भी उसका विप्लैश है। ये हॉलोर्थ वाला सीन है जहाँ पर गॉडज़िला फ्रीज हो गया था, लेकिन गॉडज़िला ऑलरेडी इवॉल्व हो चुका है इसलिए वो अपने आप ही यहाँ से बाहर निकल जाता है। इन क्रिस्टल्स के टकराने की वजह से यहाँ पर ग्रेविटी अलग तरीके से काम कर रही है, इसी की वजह से गॉडज़िला यहाँ पर इस तरह से फ्लोट कर पा रहा है। वैसे दोस्तों इस ट्रेलर में तो हम डक, टियामैट, पैरट फ्रॉग और डोडोवर्ड जैसे टाइटन को तो नहीं देख पाए, लेकिन मुझे यकीन है कि मूवी में हमें इससे ज़्यादा टाइटन्स देखने को मिलेंगे। इसके अलावा दोस्तों ऐसी बहुत सारी डिटेल्स हैं जो मैं आपको यहाँ पर शेयर तो नहीं कर सकता, उन सारी डिटेल्स और अपडेट्स को मैंने ट्विटर पर शेयर कर दिया है, तो मुझे ट्विटर पर भी ज़रूर फॉलो कर लेना। ट्विटर पर मैं हर रोज़ 10 से 15 न्यू अपडेट्स को शेयर कर रहा हूँ जो आपको बहुत पसंद आएंगे। ट्विटर का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है जहाँ पर आपको एक नए टाइटन के बारे में पता चलेगा। तो दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और ट्विटर लिंक पर क्लिक करिए। स्क्रीन पर आपको जितने भी नाम दिख रहे हैं उन सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया सा शाउट आउट। चैनल को सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक ज़रूर कर देना, और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हो तो बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर देना ताकि आप मेरी किसी भी वीडियो को मिस ना करें। गॉडज़िला एक्स कॉन्ग में दिखाई जाने वाले न्यू टाइटन्स के बारे में जानने के लिए आप ये वाला वीडियो देख सकते हो। 'Cause I've been living life right, like I could just die.